Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Arusa Khan and I am the student of BS Clinical Psychology in 5th semester from University of Sialkot. Today I am here for give you some knowledge of Generalized Anxiety Disorder, means GAD. So let's start the discuss about introduction of GAD. This is the context of GAD. First one is, what is GAD? Second one is, what are the symptoms of GAD? Third one is, what causes GAD? Fourth one is, what are the risk factor of GAD? And the second last one is, how is GAD diagnosed? And the last one is, how is GAD treated? So first of all, we should know that what is GAD? GAD kya hai? किसी भी चीज़ को लेकर बिना किसी रीज़न के परेशान हो जाना, कॉन्स्टेंटली वरिंग होना या एक्सेसिवली एंजाइटी क्रिएट होना, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मीन्स GAD कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कॉमन वरीज इंक्लूड योर हेल्थ, मनी, फैमिलीज और वर्क. दिस इज़ अ नेचुरल, कॉमन और नॉर्मल वरीड. बट अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमें नेगेटिव थॉट्स आई जा रही हैं, कॉन्टीन्यूसली आ रही हैं, कॉन्स्टेंटली वरीड हो रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल की एंजाइटी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को GAD डिसऑर्डर है. इफ़ यू हैव GAD, यू मे ऑल्सो हैव अनदर मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज डिप्रेशन. किसी भी पर्सन को GAD डिसऑर्डर होगा, उसको फर्दर डिप्रेशन भी हो सकता है. एंड द नेक्स्ट वी विल सी द सिम्टम्स ऑफ GAD. फर्स्ट पॉइंट इज इनएबिलिटी टू रिलैक्स, फीलिंग रेस्टलेस एंड फीलिंग किड अप और एन एच. इट मीन्स कि हम रिलैक्स फील नहीं करेंगे, हमें बेसकूनी होगी और हम हर चीज़ से किनारा कर लेंगे. एंड द सेकेंड वन इज डिफ़िकल्टी कंसनट्रेटिंग और द फीलिंग दैट योर माइंड गोज ब्लैंक. आपको किसी भी चीज़ पर कंसनट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होगी और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मेरा माइंड ब्लैंक होता जा रहा है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स में इंक्लूड. नंबर वन इज फटीग, थकावट होगी. सेकेंड वन इज ट्रबल स्लीपिंग, आपको सोने में मुश्किल होगी. एंड द थर्ड वन इज मसल्स टेंशन और मसल एजिस, आपकी मसल्स में प्रॉब्लम होगी. एंड द नेक्स्ट इज नर्वसनेस और बींग ईजिली स्टार्टेड, आप जल्दी से नर्वस हो जाओगे किसी भी काम को करने के लिए और अलर्ट हो जाओगे. एंड द सेकेंड लास्ट वन इज स्वेटिंग, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी. और एंड द लास्ट वन इज इरिटेबिलिटी, कि आप बहुत हर चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ GAD. रिसर्चेस हैव सजेस्टेड दैट दिस मे इंक्लूड. नंबर वन इज द जीन्स यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स. रिसर्च ये कहती है कि अगर आप में कोई डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, वो आपके जेनेटिक्स के थ्रू डेवलप हो सकता है. जैसे कि अगर आपके अबाऊ अजदाद या आपके पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर है, तो वो जीन्स के थ्रू आप में भी डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसफुल और ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस सच एज डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज और बुलिंग. अगर आपने पास्ट में कोई ट्रोमा एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपके साथ कोई बुरा हादसा पेश आया हुआ है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज और बुलिंग, इसकी वजह से भी आपको GAD कॉज हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ ड्रग और अल्कोहल मिसयूज़, कि आप किसी मेडिसिन का ओवरडोज या अल्कोहल, तो वैसे भी बुरी चीज़ है, ठीक है. अगर आप ऊपर से उसको एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए आप ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हो, ज़्यादा ओवरडोज कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको GAD कॉज हो सकता है. एंड द नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर्स ऑफ GAD. फर्स्ट पॉइंट इज मोर वुमेन्स आर अफेक्टेड देन मैन एंड द कंडीशन इज मोर कॉमन इन पीपल फ्रॉम द एज ऑफ 35 to 55. इट मीन्स जो वुमेन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैन के, और मैक्सिमम कॉमन जो इनकी एज है वो 35 to 55 है. एंड द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जेनेटिक्स के थ्रू भी ये कॉज हो सकता है GAD. और नेक्स्ट वन इज ब्रेन स्ट्रक्चर. ब्रेन स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली GAD कॉज होगा. ब्रेन स्ट्रक्चर में अमिगडाला जो है लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे इमोशंस और थॉट को कंट्रोल करता है. अमिगडाला में जो ग्रे मैटर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने की वजह से GAD कॉज होता है, जिसको हम राइट विटामिन भी कहते हैं. और नेक्स्ट है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जिसमें आ जाते हैं कैफीन
मीन्स के हम अगर किसी चीज़ का अडिक्ट हो जाते हैं, जैसे कॉफ़ी है, टी है, और वो हमें अगर हम दिन में ओवरडोज कर रहे हैं, 4 से 5 मरतबा ले रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिल रही तो हम उस चीज़ के ऑटोमेटिकली अडिक्ट हो चुके होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ना मिलने की वजह से वो चीज़ GAD कॉज कर सकती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ जॉब स्ट्रेस। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही उसका भी स्ट्रेस GAD कॉज कर सकता है। एंड द नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप। अगर किसी का रिलेशनशिप नहीं चल रहा या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, उसकी वजह से भी GAD कॉज हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे हमने पहले बात की कि कोई भी पास्ट में कोई स्ट्रेसफुल लाइफ ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया हो, जिसकी वजह से भी हमें GAD कॉज हो सकती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोस्ट ऑफ GAD। हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? ये DSM-5 में क्राइटेरिया के जरिए हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि उस पर्सन को GAD है या नहीं है। जैसे हमने पहले बात की कि कॉमन वरीज हैं कि हम रूटीन लाइफ में अपने काम के बारे में परेशान होते हैं, लेकिन अगर हमें कॉन्टीन्यूसली एक्सट्रीम लेवल की एंगजाइटी क्रिएट हो रही है, कॉन्टीन्यूसली हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमें GAD कॉज है। जैसे कि एटलीस्ट ड्यूरेशन जो है 6 मंथ की है। अगर आप उस 6 मंथ से कॉन्टीन्यूसली आप वरीड हो रहे हैं, एक्सेसिवली आपको एंगजाइटी हो रही है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि उस पर्सन को GAD डिसऑर्डर है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन ये सिम्टम्स बताए गए हैं 3 और मोर। अगर इनमें से आपको 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स होंगे तो तब भी आप GAD डायग्नोज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ रेस्टलेस और फीलिंग कीड अप और अनैच, कि आपको बेसकूनी होगी, बींग इजिली फटीक, आप इजिली थकावट महसूस करोगे। एंड द नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी कंसनट्रेटिंग और माइंड गोइंग ब्लैंक, आपको फोकस करने में कंसनट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमारा माइंड ब्लैंक होना स्टार्ट हो गया है। और इरिटेबिलिटी, कि आप इरिटेशन फील करोगे, और मसल टेंशन, आपके मसल में प्रॉब्लम होगी। और लास्ट वन इज़ स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, कि आपको सोने में डिफ़िकल्टी होगी। इन सब क्राइटेरियाज़ को चेक करके DSM-5 से आप ये डायग्नोज करते हो कि उस पर्सन को GAD है या नहीं है। एंड द लास्ट स्लाइड इज़ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ GAD। ट्रीटमेंट प्लान हम इसका 2 तरीके से कर सकते हैं, एक साइकोथेरेपी एंड नेक्स्ट वन इज़ मेडिकेशन। साइकोथेरेपी में हम CBT मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, जिसमें हम उस पर्सन के नेगेटिव जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है, और उसके बिहेवियर को हम चेंज करते हैं। और CBT सिर्फ हम GAD के लिए नहीं बल्कि पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर जो है और सोशल एंगजाइटी डिसऑर्डर है, इसके लिए भी बहुत अफेक्टिव है थेरेपी। हम उस डिसऑर्डर्स के लिए भी हम CBT थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मेडिकेशन के ज़रिए, हम उस पर्सन को एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के थ्रू भी उसको ठीक कर सकते हैं। डैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन टूडे।